Hello friends, let's have the discuss of NTM mock test TFEC. Question ये mock test 86 है. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें. और बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की. ऑस्मोटिक प्रेशर इज मैक्सिमम इन हेलो फाइट्स. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस वेयर EcoR1 कट्स इज गोनिन एडनिन एडनिन थायमिन थायमिन साइटोसिन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैपनीज इंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो. क्वेश्चन नंबर फोर, हीमोफीलिया इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट. क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय लैक्वाइज इन ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल. क्वेश्चन नंबर सिक्स, द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटीज आउट क्रॉसिंग. क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ड्रग आर आफ्टर एडमिनिस्टर्ड बिफोर एंड आफ्टर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स इम्यूनोडाइलेटर्स. हालांकि यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन ए दी जाती है. विच ड्रग्स आर आफ्टर एडमिनिस्टर्ड बिफोर एंड आफ्टर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इम्यूनो सप्रेसेंट. ओके, और ये एज अ साइक्लोस्पोरिन दी जाती है. क्वेश्चन नंबर एट, डेवलपमेंट एंड पावर ऑफ एक्शंस ऑफ एन ऑर्गन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूज. द स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म इन 1809. क्वेश्चन नंबर नाइन, द क्राइजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिनेसिस. क्वेश्चन नंबर टेन, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ पॉल्यूशंस ऑफ वाटर बॉडीज इज सीवेज. क्वेश्चन नंबर 11, अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिशंस एंड बडिंग रिस्पेक्टिवली बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शंस. पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज आफ्टर स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये करेक्ट है. सहेली इज अ वंस अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज. ये भी करेक्ट है. स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स इन द मेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी. नो, इट इज वैसेक्टोमी. लिप्स लूप्स इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस. नो, दिस इज नॉट हार्मोन रिलीजिंग. हारमोन्स रिलीजिंग है. प्रोजेस्टासर्ट है और LNG-20 है. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया है हार्मोन रिलीजिंग LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट. फिर कॉपर रिलीजिंग है कॉपर टी मल्टीलोड 375 एंड कॉपर 7. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इक्वेशनल डिविजन्स दैट टेक प्लेस इन साइकस एंड एंजियोस्पर्म्स रिस्पेक्टिवली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स 2:1. क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स हैज अ सिंपल फूड चेन्स एंड लिटिल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स वीट फील्ड. क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स बताना है. जेनेटिक डाइवर्सिटी इज अ डाइवर्सिटी शोन बाय द सिंगल स्पीसीज एट अ जेनेटिक लेवल. जीन लेवल पे होता है. आई होप करेक्ट है. बट जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल और जीन लेवल इज द मोस्ट करेक्ट. बट इट इज़ द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इन एन इंडिविजुअल्स ऑफ कम्युनिटी. नॉट, दिस इज फॉल्स. राउल्फिया ओमिटोरिया शोज द वेरिएशंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्टेसेप्ट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एक्टिव केमिकल्स रिजर्व पाइन. ये करेक्ट है. India has more than 50,000 genetically different strains of mango, only 1,000.
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पर 15 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 आल्सो सूड बाय ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डायग्राम सीधे दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूरेटर के बाद जो बी दिया है, बी है सेमिनल वेसाइकल को रिप्रेजेंट करता है, और जो सी रिप्रेजेंट करता है, सी है प्रोस्टेट ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगर डी की बात करें तो डी रिप्रेजेंट करता है ईजाकुलेटरी डक्ट को, और जो ए रिप्रेजेंट करता है वो बल्बो यूटरल ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। बाकी तो सारे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेकेंडरी फ्लोएम इज नियरर टू वैस्कुलर स्कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्नेटोस्टैटिक बैक्टीरियम एक्वा एस्पिरिलम्स मैग्नेटोटैक्टिम। क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैकल्टेटिव रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वैसोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स विद एडवांसिंग एज। क्वेश्चन नंबर 21 रूट पॉकेट्स आर फाउंड इन बैलेंसिंग रूट्स ऑफ ए कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 22 एंजाइम्स कोलेजिनेस ब्रेक्स द पेप्टाइड्स बॉन्ड प्रेजेंट इन कोलेजिनस प्रोटीन एक्सेसिव सेक्रेशंस ऑफ दिस एंजाइम्स विल लीड टू वीकनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज पार्ट्स। टेंडोंस दिया है, उसके बाद फिर बोन्स के बाद हेयर ऑफ स्नो और नेल्स एंड क्लॉस। क्वेश्चन 23 ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट the strength of ventricular contractions and thereby the cardiac output except vagus nerve ko chhod ke baki adrenaline nor adrenal sympathetic nerves are included। question 24 sphagnum is also called peat moss because it grows in acidic marshes box and help in peat formations। क्वेश्चन नंबर 25 द हार्मोन्स विच हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस इज साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 26 फ्लैजिलम इन विच लेटरल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट ऑन द एक्सोनियम इन विच इन टू और आर मोर रोज पैंटोनेमैटिक। क्वेश्चन नंबर 27 द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ द CO2 लेवल्स इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 28 द वेजिटेशन फाउंड बिटवीन ट्री लाइन एंड स्नो लाइन इज कॉल्ड अल्पाइन मीडो। क्वेश्चन नंबर 29 कॉपर डिफिशेंसी लीड्स टू एग्जैंथिमा। क्वेश्चन नंबर 30 द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज कार्बोनेट्स। क्वेश्चन नंबर 31 विच केमिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट कॉमन टू ऑल लिविंग बींग्स टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 32 एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ गैमेट इज फाइनली डिसाइडेड इन अ फेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस ऑफ बक्कल्स कैविटी इनकरेक्ट है मास्टर digestions of protein incorrect mastications of food facilitate of swallowing formations of food bolus this is sorry correct hai। question 34 which one of the following pairs of the items correctly belong to the category of organ mentioned against it nephridia of earthworm and malvasion tubules of cockroach excretory organ।
क्वेश्चन नंबर 35, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स से वन एक्सॉन्स टू और आर मोर डेंड्राइट्स एंड आर फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एल्डोस्टेरोन्स फैसिलिटेट्स द वाटर रीअब्सॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 37, कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शंस ऑफ एटीपी इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस फॉर 10। क्वेश्चन नंबर 38, स्केलेटल मसल्स शो रिजेंबलेंस विद विसरल मसल्स इन वन एस्पेक्ट, इट इज इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 39, प्रोजनी आर फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली सिमिलर इन F3 जनरेशंस। क्वेश्चन नंबर 40, इन रीसेंट ईयर DNA सीक्वेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड Y क्रोमोसोम्स वेयर कंसिडर्ड टू स्टडी एंड understands humans evolutions because they are uniparentals in origins and do not take part in recombinations. Question number 41, Paris agreements which aim to reduce emissions of gases that contribute to global warming was adopted during COP21 2015. Question number 42, which of the following statements are correct regarding cancers? Mutations in tumor suppressor genes are linked with cancer, correct? Fair, cancer cells have low telomerase activity, no high hota hai. Fair, radiotherapy is the irradiations of the cancer cells to destroy their genetic materials. This is correct. Alpha interferons are used for the treatment. Be correct. Non-ionizing radiations like X-rays and gamma rays are cause DNA damage leading to nucleoplastic transformations. No. Question 43, reactions of alpha ketoglutaric acids with ammonia to form glutamic acid is reductive aminations. Question 44, plant growth in terms of length occurs due to apical meristems. Question 45, a dikaryon is formed when meiosis is arrested. No, the two haploid cells do not fuse immediately. No, cytoplasm does not fuse. Any options. Correct match. Fungal sexual reproduction specifically in the higher fungi follows three steps. Plasmogamy, karyogamy, meiosis. Okay. Question 46. Corm is a modification of stem. Question 47. Yeah, but successions of the forest ecosystems characterized by the changes of specific species diversity, biomass, and net primary productivity are shown. The first area है net primary productivity को show करता है, फिर B the species diversity को show करता है, और C biomass को show करता है. Question 48. Identify the incorrect statement with respect to the morphology of cockroach. Their length varies from 0.6 to 7.6 centimeter. Correct. Bright yellow, red, and green colored cockroaches are reported. To be correct. They have two pairs of antennae. No, one pair of antennae. That extensions of upper body wall cancels head. ये correct है. Question 49. Sex organs in pteridophytes are multicellular and jacketed. Question 50. Formations of phylogens from parenchyma cells is differentiation. Question 51. The resemblance of individuals to their progenitors is called heredity. Question 52. The prickly pear cactus became unusually evident after its introduction in Australia because it had no co-evolved herbivores. Question 53. Cycad groups are especially useful in conserving rare and threatened species. Question 54. Strains of Bacillus thuringiensis are used in producing
bioinsecticidal plants. Question 55. In a girdle plant, which of the following dies first? Root. Question 56. Which of the following bacteria is useful to control butterfly, caterpillars, bacillus thuringiensis? Question 57. NADPH2 is generated through non-cyclic photophosphorylations. Question 58. Which of the following group of plants have non-endospermic seed? Gram, bean, orchid, and pea. Question 59. The simplest mechanical tissue giving mechanical support to living cells in process of elongation is colenchyma. Question 60. T lymphocytes produces gamma interferons. Question 61. Which of the following sexually transmitted infections cannot be treated with antibiotics, genital warts? Question 62. Hardwickia ails timber. Question 63. Which statement is incorrect to human's blood? Average leukocytes count is 6,000 to 8,000 per millimeter cube. Correct. Average RBC count is 2 to 4 millions per millimeter cube. No. Protein contributes about 8% of plasma. Correct. A healthy human has about 12 to 16 grams of hemoglobin per 100 milliliter of blood. Correct. Question 64. Which of the following organisms are decomposers? Bacteria and saprophytic fungi. Question 66. Associations between microbiont and phycobionts are found in lichens. Question 66. You see the NCERT diagram represent kara yahan par chain elongations catalyzed by RNA polymerase in prokaryotes. Question 67. So which one of the following birds gas recently becomes extinct? Dodo. Question 68. Two strands of molecules of DNA are linked sidewise by purines, pyrimidines, hydrogens bond. Question 69. Incorrect statement choose karna hai yahan par. The presence of Zona pellucida prevents the implantation of embryo in the fallopian tube. Correct. The morula stage is composed of 8 to 16 cells and remained covered by Zona pellucida. Correct. Yeah, the first cleavage divisions of zygote in humans is meridionals. Correct. Zona pellucida is a cellular layers made of granulosa cells. No. Question was 670. The given figure is a schematic breaks up the phase oblique stage of the cell cycle. Select the correct options regarding it. A previous question yahan par jo d ki baat karta, the stage replications of DNA takes place on the template of the existing DNA. Question 71. The snake eating a snake is king cobra. Okay. Question 72. The drugs that alter a person's thought, feeling, and perceptions can be obtained from all except papaver somniferum ko chhod ke baki datura, claviceps, purpurea, cannabis, sativa. Question 73. The flowers of brassica is pentacyclic. Brassica का flower pentacyclic. Question number 77. Hypothalamus does not control creative thinking and consciousness. इसको नहीं control करता. बाकी sexual behavior, osmoregulations, hunger and satiety, याना हालांकि limbic system controls करता है. Hypothalamus.
Question number 75. Which of the following correctly pairs an ECG phase with the cardiac event responsible for the QRS wave depolarization of ventricles? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन. पी वे आर ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन. फिर क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. फिर टी वे रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. क्वेश्चन नंबर 76. सेलेक्ट द हार्मोन्स दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज फॉर गोनाड्स. क्वेश्चन नंबर 77. विच वन इज एब्सेंट इन वुड फैट. क्वेश्चन नंबर 78. द बॉडी पार्ट्स ऑफ दीज एनिमल्स आर अरेंज्ड नॉट ओनली इन पेयर्स बट आल्सो रेडियली बाय रेडियल सिमेट्री. क्वेश्चन नंबर 79. जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज सी एन एच टू एन ओ एन. ओके सारे के सारे करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 80. According to natural selection variations that are heritable and makes resource utilization better for the few enables only those to reproduce and leave more progeny. Correct hai yani true hai. Besides on the observations and made during sea voyages on HMS Beagles, Darwin concluded that existing life forms share similarities only among themselves, only snots among themselves are not from the with life forms that existed millions of years ago. If false, according to Darwin's fitness refers ultimately and only to reproductive fitness. This is correct. For the global history of Earth does not correlate with the biological history of Earth. No, false. Question 81. Organisms which can tolerate narrow range of temperatures are called stenothermals. Question 82. Who were responsible for the development of botany as a science? Greek philosophers. Question 83. Monosomic conditions arises with the fusions of gametes n minus 1 into n. Question 84. Identify in order the plant sowings alternate, opposite and hold phyllotaxy China rose, Calotropis and Nerium. Question 85. Whittaker systems of classification implies that unicellular eukaryotes are primarily precursors of plants, fungi and animals. Question 86. The genetic defect adenosine deaminase deficiency may be cured permanently by introducing bone marrow cells producing ADA into cells at early embryonic stage. Question 87. The eyes of cat and dog shine if reflect back the light focused on them because choroid is provided with tapetum lucidum. Question 88. Identify the true statements in the following. Oxidation of fatty acids and synthesis of phospholipids occurs in peroxisomes. Question 89. The genetic material of an organism contains guanine equal to 18%. Which of the following base proportions confirms the double stranded DNA? Adenine equal to 32% and cytosine 18%. Question 90. Contains informations on any one taxon's monograph. इस प्रकार आपके 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें. और मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ. थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो.